अब बात करेंगे वसई विरार मीरा भाईंदर पुलिस आयुक्तालय की, जिसके स्थापना के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं भाईंदर की नौघर पुलिस ने राइजिंग डे के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां कई चोरी के मामलों के खुलासों के बाद आरोपियों से बरामद किया गया सामान पीड़ित मालिकों को लौटाया गया। भाईंदर डिवीजन के ACP शशिकांत भोसले के मुताबिक चोरी के बरामद किए गए 10 ऑटो, 40,000 की नकदी और 2 घर फोड़ी के मामलों में बरामद गहनों को मालिकों को लौटाया गया है। इसके अलावा एक दहेज प्रताड़ना के मामले में भी जब्त किए गए गहनों को पुलिस ने उसके मालिक को लौटाया है। नौघर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से अपने चोरी हुए सामान को वापस पाने के बाद पीड़ितों के चेहरों पर एक अलग खुशी देखने को मिली। सभी पीड़ितों ने सही सलामत अपना सामान वापस पाने के बाद पुलिस का आभार जताया। भाईंदर डिवीजन के ACP शशिकांत भोसले ने कहा कि बीते कुछ महीनों से जो वारदातें हुई थी उनको जल्द से जल्द पुलिस ने सुलझा लिया और फिर बरामद की गई सामग्री उनके मालिकों को लौटाया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1 अक्टूबर को हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय को पूरे 2 साल हो गए हैं। इस द्वितीय वर्धापन दिन के निमित्त से विविध प्रोग्राम्स हमने जनता के और पुलिस के बीच में का जो गैप है वो कम करने के लिए, जिसके अंदर रक्तदान शिविर हो, उनके लिए जो अलग अलग साइबर क्राइम है उसके बाद में जागरूकता हो, वाहतूक नियमों के बारे में जागरूकता हो, ऐसे विविध तरह के प्रोग्राम हमने रखे है। साथ ही साथ जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारा मुद्देमाल यह विविध गुनों में जो जब्त होता है वह रखा जाता है, इससे पुलिस स्टेशन का भी बहुत जगह ऑक्युपाई हो जाता है। साथ ही साथ वो मुद्देमाल जो है वह किसी गरीब की उपजीविका का भी साधन हो सकता है। जैसे कि आज जो हम कुल मिलाकर 18 मुद्देमाल वापस कर रहे हैं, उसके अंदर 10 रिक्शाएँ हैं, जो हमारे रिक्शा चालक गरीब है, उनको खुद का रहने का घर बहुत छोटा है और पार्किंग उपलब्ध नहीं है, वह रिक्शा कहीं रास्ता किनारे पार्क करते हैं। तो ऐसे रास्ता किनारे पार्क किए हुए रिक्शा जो चोरी गए थे वह उन चोरों को हिरासत में लेके उनको सलाखों के पीछे भेजकर वह रिक्शा उनसे बरामद की थी नौगर पुलिस स्टेशन ने। और अभी क्या है, मेरा ऑटो जो था मैं विमल डेरी लेन पर लगाता था और वहाँ के डेरी के वहाँ रोड पर लगाया था और मेरा गाड़ी 9 जुलाई तो सुबह में 8-9 बजे चोरी हो गया था। फिर मैं पुलिस थाने में आया, अपने मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन में उधर कंप्लेंट लिखवाया, सर ने कंप्लेंट ले लिया, अच्छी तरह से सपोर्ट किया मीरा भाईंदर के पुलिस स्टेशन में, बहुत सारा अच्छा खासा सपोर्ट किया, तो मतलब उन्होंने अच्छा मेहनत भी किया और मेहनत करने के बाद मेरा ऑटो 10 अगस्त को मेरे को मिला। ऐसा कॉल पुलिस स्टेशन ने मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन से आ गया, आपका गाड़ी मिल गया। मैं पुलिस स्टेशन में आया, सर ने मेरे को बताया कि आपका गाड़ी मिला हुआ है, आप आके इधर हमको जो भी है मिलो करके, ऐसा बातचीत हो गया और बहुत सारा सपोर्ट किया। कि जब भी कंप्लेंट देने को आया तभी सर ने अच्छी तरह से सपोर्ट किया और हमारा गाड़ी बहुत मेहनत करके ढूंढ के वापस लाया, बहुत हमको अच्छा लग रहा है और उसके लिए मैं पूरा मीरा भाईंदर पुलिस स्टेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक लड़का मेरे जाली के अंदर खेल रहा था, हाथ डाल के काट लिया था। अभी आज आपको पुलिस ने आपका जो ये सामान वापस किया, क्या बोलेगा? थैंक यू बोल रहा हूँ।